तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि HTML कोर्स हम लोग किस चैनल पर चल रहा है, आज है डे सिक्स के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं BR टैग के बारे में। BR टैग क्या होता है, HTML में इसका कैसे यूज़ किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए आज का टॉपिक है हमारा BR टैग। तो BR टैग क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, और उसके बारे में यूज़ कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे SPC के कोड एडिटर को, जहाँ पे हम लोग HTML कोडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको ये सब नहीं मालूम है कि क्या लिखा हुआ है, बॉयलर प्लेट क्या खुली हुई है, तो आप स्टार्टिंग से कोर्स को देखिए। आपको बीच से ज्वाइन करना नहीं चाहिए, आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कोर्स की, और साथ में मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, तो नोट्स की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। डिजिटल नोट्स है, काफ़ी अच्छे से तैयार किए गए हैं। अब इसको ओपन करें तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमने जैसे कि आपको बताया कि आज हम लोग BR टैग के बारे में जानने वाले हैं। तो ये BR टैग क्या होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रेक लाइन टैग, ठीक है। तो ब्रेक लाइन टैग जैसा कि नाम ही से समझ गए होंगे, ब्रेक लाइन किसी लाइन को ये ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक लाइन टैग बोलते हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ ओपन किया है, आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो आप जान गए होंगे कि पैराग्राफ क्या होता है। तो यहाँ पर पैराग्राफ की वीडियो हमने डाल दी, उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ ओपन है, इसमें लिखा हाय गाइस आई एम क्रिएट मैनी कोडिंग वीडियोस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ है इतना यहाँ पर एक लाइन में लिख किया है, ये हाय गाइस आई एम क्रिएट, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये मैनी कोडिंग वीडियोज़ है इसको नीचे आना चाहिए इस जगह पर लिख कर, यहाँ पर, ठीक है, नीचे साइड में। तो ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कि मान लीजिए ये इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ तो बिल्कुल सीधा नहीं है, यहाँ तो एक लाइन में इतना लिखा हुआ है, फिर दूसरी लाइन में इतना लिखा हुआ है, पर जबकि हम लोग प्रीव्यू देख रहे हैं वेब पेज का, तो यहाँ पे एक लाइन में ही पूरा आ रहा है। पर हमको इसको बीच से काटना है, यहाँ से तोड़ देना है इस तरीके से, और ये जो इतना पार्ट है ये आला, इसको हमको नीचे लेकर आना है इस जगह पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाने के लिए ही हम लोग ब्रेक लाइन का यूज़ करते हैं। अब जिस जगह से आपको यहाँ पे तोड़ना हो, मान लीजिए मुझे इस जगह से तोड़ना है, यहाँ पे क्रिएट से इस इतनी लाइन हमको नीचे लेके आनी है, तो वहाँ पे आपको BR टैग लगा देना होगा। और BR टैग दोस्तों एक ऐसा टैग होता है जिसको ओपन तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, BR लिख दिया, ठीक है, पर क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि क्लोज कर दोगे तो फिर इसका आपका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो BR क्लोज नहीं किया जाता, ये नॉन क्लोजेबल टैग्स में आता है। अब हम लोगों को मान लीजिए क्रिएट के बाद, ये क्रिएट के बाद लाइन नीचे लेकर आनी इतनी, ठीक है, तो हम लोग क्रिएट के बीच में और मैनी के बीच में हम लोगों को BR लगाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक BR टैग, तो इस तरीके ओपन किया और BR लिख दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेक लाइन। अब आप समझ सकते हो कि इतना यहाँ पे पहले पैराग्राफ टैग ओपन हुआ है, फिर लिखा हुआ हाय गाइज आई एम क्रिएट, फिर BR टैग लग गया है, फिर लिखा मैनी कोडिंग वीडियोज़, और फिर पैराग्राफ क्लोज हो गया है। तो इतना समझो कि क्रिएट और मैनी के बीच में BR टैग लगा हुआ है। अब आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ कि देखिए सेकंड लाइन में आ गया, अभी तक जो पूरी एक लाइन सिंगल लाइन में आ रहा था ये इस तरीके से, अभी सेकंड लाइन में बीच से टूट कर आ गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट और मैंने के बीच में जनाब BR टैग लगा हुआ है, इस जगह पे यहाँ पे BR टैग लगा हुआ है, जो आपको दिखेगा नहीं, पर इसी कारण से ये लाइन टूट कर नीचे आ गई है, नहीं तो ये पूरी एक सिंगल लाइन में आ रही थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ से BR में थोड़ी देर के लिए हटा दूँ इस तरीके से, तो देखिएगा फिर से ये पूरी सिंगल लाइन आने लगी है। तो हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पर ध्यान देना होता है कि हम लोगों को जहाँ से लाइन को तोड़ना है या फिर जहाँ से हम लोगों को किसी चीज़ को नीचे लाना है, वहाँ BR लगा सकते हैं। अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि क्या हम लोग ये कोडिंग वीडियो जो लिखा है इसको और भी इससे तोड़ सकते, चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैनी के बीच में हम लोग एक BR लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने मैनी के बीच में BR लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कोडिंग वीडियोस नीचे आ गया। अब एक चीज़ और देखते हैं कि क्या हम लोग कोडिंग वीडियोस के बीच में हम लोग BR लगा कर वीडियो को नीचे ला सकते हैं, तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग और वीडियोस के बीच में हम लोग यहाँ पे BR लगा देते हैं, तो चलिए अब देखते हैं। तो ये देखिए ये एक और लाइन में टूट कर आ गया। इस तरीके से आप किसी सिंगल लाइन को बीच बीच से तोड़ के उसको नीचे ला सकते हो। जब आपको नीचे लाना हो किसी सिंगल लाइन को तोड़कर, तब आप BR टैग को यूज़ करते हो। BR टैग का नाम ही ब्रेक लाइन टैग होता है। तो आप देखने में ये चीज़ आपको लग रहा होगा कि यार इसका कोई ज़रूरत नहीं है, पर जब आप कोडिंग करोगे और एक पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, तो ये टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जगह जगह पर यूज़ होगा। अब मान लो जो आपकी यहाँ तक एक वेबसाइट बना रहे हो कि इतने में आपका पैराग्राफ पे टेक्स्ट रहेगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ रहेगा और यहाँ पे एक फ़ोटो रहेगी, ठीक है। फ़ोटो मान लीजिए कोई भी ऐड हो सकता है या फिर कोई भी फ़ोटो हो सकती है। ऊपर आपका नेविगेशन बार हो गया, यहाँ पे आपका ऐड चल रहे होंगे, यहाँ आपका फुटर हो गया नीचे। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट लिखते हो इस तरीके से, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ, तो ये टेक्स्ट तो पूरा इस तरीके से यहाँ तक आएगा।
अगर आप इस टेक्स्ट को नीचे से ब्रेक लाइन यहाँ लगा देते हो यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट यहाँ ना आने के बजाय नीचे ही आने लगेगा। तो यहाँ पे फिर आगे टेक्स्ट नहीं आएगा, उस जगह आप फोटो लगा सकते हो। आई होप आप मेरी बात समझ गए होगे। अगर नहीं समझे होगे तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। और अगर आप कोर्स कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि BR टैग मैंने कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी तो बहुत जगह BR टैग मैं यूज़ करूँगा, आपको समझा भी दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो आपको बस इस कोर्स को ध्यान से देखना है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। और हो सके जनाब तो एक वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, हम लोग को भी थोड़ी मोटिवेशन बढ़ जाती है और कोई आपका खर्चा भी नहीं आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।